नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज एक आसन जिसके नाम तो काफी फेमस है लेकिन अपनी खूबसूरती और लाभकारी अंजाम के तल पर वो बहुत प्रकट नहीं हो पाया है, इसलिए उस आसन के बारे में आज बताता हूं जो एक आसन कई तरह के लाभों के लिए उपयोगी है। चाहे वो नाभि खिसकने की समस्या हो या नाभि में प्राण के भंडार को एक्टिवेट करने की बात हो या 72,000 नाड़ियों को आंदोलित करने के लिए नाभि के केंद्र को जागृत करने की बात हो, लीवर की बात हो, किडनी की बात हो, पेट आंत की समस्या की बात हो, तो ये आसन नियमित करने वाला इन तमाम व्याधियों से दूर रह सकता है। और इस आसन का नाम है मंडूक आसन। लेकिन मंडूक आसन अपनी खूबसूरती के साथ पूर्णता में प्रकट नहीं हो पाया है, इसलिए आज ध्यान से आखिरी तक इस वीडियो को सुने तो इसके एक अलग पहलू आपको नजर आएंगे। सबसे पहले बस मंडूक आसन बस मंडूक आसन नहीं है, इसमें दो आसन छुपे हुए हैं जिसे आप देख नहीं पाए हैं। एक मंडूक आसन जब आप करने जाते हैं तो सबसे पहले इसका बेस आसन है वज्रासन। मैं बताऊंगा, आप चिंता ना करें कि घुटने की हमें समस्या है, एंकल का तकलीफ है तो इसको कैसे करें, इत्मीनान रखें। तो बेस इसका क्या है? वज्रासन। तो ये वज्रासन का संपूर्ण लाभ आपको देता है। दूसरा आसन इसमें जो गुप्त रूप में छुपा हुआ है मंडूक में, वो है बालक आसन। जब हम श्वास छोड़ करके आगे गाते हैं तो ये बालक आसन की स्थिति में हम इस तरह से हाथ को बाजू में रख करके या सपोर्ट में रह करके आप जब आसन में रहते हैं तो ये बालक आसन चाइल्ड पोज कहलाता है। बालक आसन की अलग खूबियों भरा एक वीडियो है, उसको जरूर देखिए, उसकी खासियत को विस्तार में समझ सकेंगे। मंडूक आसन अब इन दो आसन के मिल करके एक तीसरी स्थिति में पहुंच है। करना कैसे मंडूक आसन, पहले जो तरीका है उसको ध्यान देंगे। खास तौर पे पेट आंत के रोगी, कोलाइटिस, आईबीएस, अपचन की समस्या रहने वाला, लीवर किडनी का इशू करने वाला, डायबिटीज, इंसुलिन को एक्टिवेट करने के लिए, इस तरह के रोगी खास तौर पर इसको करें। भोजन से पहले अगर हर दिन नियमितता से आप करेंगे तो पाचन प्रक्रिया दुरुस्त रहेगी। जस्ट जैसे हम भोजन करने जा रहे हैं उससे पहले कर सकते हैं, तो आपके वहां ब्लड का सर्कुलेशन, प्राण का सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो समान वायु है जो पाचन शक्ति को एक्टिवेट करती है वो आपका संतुलित रहेगा। करना कैसे है, अलग अलग लोग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है जिसमें ज्यादा हम इंपैक्ट कर सके नाभि शक्ति को, मणिपुर चक्र को, तो आपको जैसे राइट हैंड का ये अंगूठा दिख रहे हैं, हमने फोल्ड करके अपने नाभि के तल पे इस तरह से लगाया, ऐसा फोल्ड किया और रख दिया और फिर हाथ को इस तरह से रखना है। आप हाथों की स्थिति देखिए, समझिए, कई लोग इस तरह से रखते हैं वो फायदे देह नहीं है, वो पेट में प्रेशर जरूर जनरेट करता है लेकिन जो नाभि के तल पे हमें आरा मणिपुर चक्र समान वायु को आंदोलित करने की स्थिति हो वो नहीं हो पाता है। ये सबसे अजमाया हुआ तरीका है। तो मैं अपने अंगूठे को इस तरह नाभि पे किया, मुट्ठी बंद हो गई, बाएं हाथ को पूरी तरह से खोल के रखा, पहले स्पाइन को आप लंबी करें और श्वास छोड़ते हुए आप पूरी तरह, याद रखें कि श्वास को पूरी तरह छोड़ देना है और फिर आगे आप झुकते चले जाएं पूरी तरह, जितना झुक सके, जबरदस्ती सिर को नीचे नहीं लगाना, धीरे धीरे, फिर श्वास ले रहे हैं तो रुक जाए, फिर श्वास छोड़ रहे हैं तो झुकते चले जाए। अगर सिर नहीं लग सके ऐसी स्थिति हो तो आप अपने तकिए को सामने घर का या इस तरह का ब्लॉक खड़े होकर के या लेटा करके रखिए। जैसे आप देखेंगे ये स्थिति है, तो अगर मुझे लग रहा है कि अरे मेरा तो झुक नहीं पा रहा है तो मैं इस तरह से, तो आप ज्यादा देर तक टिक पाएंगे। और बालक आसन का भी जो लाभ है, जो मन की शांति, सौंदर्य चेहरे का, आंखों की ज्योति बढ़ाने का जो लाभ बालक है का है वो दे देगा। तो मंडूक आसन में इस तरह का सपोर्ट आप ले सकते हैं।
अब रही बात कि इसको कब नहीं करना, खाने के बाद नहीं करना। भोजन करके अगर आप करेंगे मंडूकासन तो नुकसान हो जाएगा। पेट में कुछ चीजें हो पहले से तो उस स्थिति में अवॉइड करें। बहुत ज्यादा पेट में गैस भरा हुआ हो, ठीक है खाना बहुत पहले खाएं लेकिन गैस भरा हो, मंडूक करेंगे आपको पेट में गैर जरूरी प्रेशर आएगा। तो गैस निकासन के लिए वीडियो बनाएं चैनल में कि अगर गभी गैस हो इन चार आसन को कीजिए, आपको तुरंत लगेगा गैस बाहर हो रहा है, गारंटी है उसमें। तो किसी को दिक्कत होती है तो आप क्या करें, जैसे एंकल में प्रेशर आता है, कई लोग ऐसे शिकायत करते हैं, तो आप एंकल में इस तरह से फोल्ड करके कपड़ा रख दीजिए और ये सपोर्ट रहेगा। तो जो वज्रासन में बैठते हैं खाना खाने के बाद उनको भी वक्त लगता है, तो ऐसा कर सकते हैं। और मंडूकासन या बालकासन करने वाले भी जिनको भी एंकल में प्रेशर आता है वो कर सकते हैं। दूसरा सवाल रहेगा आपका कि मेरे घुटने में ही प्रॉब्लम है, इस तरह से फोल्ड करके नहीं बैठ सकते हैं, तो क्या करें। तो आप मात्र सुखासन में जैसे हम पांव को फैला करके स्वस्तिक आसन करते हैं, इस स्थिति में आपका पैर पूरी तरह फैल जाता है, यानी घुटना हिप एक लाइन पे आ गया, जो वज्रासन की स्थिति में होती है। हम सीधा बैठे तो ये ऊंचा रहता है, तो आपको इसको एक लेवल पे लाना है। और फिर यहां से श्वास को मैंने लिया, छोड़ दिया पूरी तरह से, उसी स्थिति में हाथ को लाया, श्वास छोड़ते हुए दोबारा पूरी तरह से खाली करते जा रहे हैं अपने आप को। ये तो जिनको घुटने का दर्द है, एंकल में समस्या है, वो भी मंडूक आसन का लाभ इस स्थिति में ले सकते हैं। फिर सवाल आएगा कितने देर तक मंडूक आसन में रहे, जितनी सहजता हो। आप 30 सेकंड सहज हैं, 1 मिनट सहज हैं, 2 मिनट सहज रहें, आसन में रुकना, सारा ध्यान को नाभि पे केंद्रित करना और श्वास लेते छोड़ते रहना, उसकी पूर्ण स्थिति है। स्थिरता और सुख, वो आसन चमत्कारिक लाभ देने लगता है। फिर किसी को लगेगा कि ठीक है हम एक बार भी इतना देर नहीं रुकते, कितनी बार रिपीट करें, कम से कम 3 बार आप जरूर करें, 3 बार पर्याप्त है। और उसके बाद जो बाकी एकमात्र आसन ये नहीं है, बाकी और सब जो सीक्वेंस में आसन आता है उसको आप करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उस पर कमेंट भी कीजिए। और ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको लीवर, किडनी, पेट, आंत की समस्या है, या हम चाहते हैं कि भविष्य में उनको, हमारे स्वजनों को, मित्रों को ऐसा नहीं हो, तो उन तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। आपका जीवन शुद्ध और सफल हो।